हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अ चैनल बिलीव लर्निंग हम बात करने वाले हैं आज की माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर एक चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं या क्या क्या इम्पोर्टेंट बनेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे सामने चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का सो so, उसमें आता है कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं डिस्कस दी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकनॉमी या व्हाट इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉमेटिव इकोनॉमिक्स या डिफरेंस बताना हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का या वॉट आर दी ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन ये हो गया सेकेंड हो गया थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर इसमें वॉट इज़ बजट सेट बजट सेट क्या है ये एक्सप्लेन करें वॉट कैन लीड टू चेंज इन द बजट सेट क्या हम uh, क्या चीज़ है जो हमारे बजट सेट को चेंज uh, कर सकता है डिफाइन इन इनडिफरेंस कर्व इनडिफरेंस मैप क्या होता है वॉट इज़ मीनड बाई मोनोटॉनिक प्रेफरेंस मोनोटॉनिक प्रेफरेंस वो होता है जहाँ पे हम कंज्यूमर्स के सामने दो बंडल्स रखते हैं तो हमारा जो कंज्यूमर होता है वो सिर्फ उन्हीं बं उस बंडल को चूज़ करेगा जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा है यहाँ पे इस वक्त हमारे कंज्यूमर को इस चीज़ से मतलब नहीं रहता कि हाँ उसकी क्वालिटी कैसी होगी उसे उसकी क्वांटिटी से मतलब होता है तो वो हो गया आपका मोनोटॉनिक प्रेफरेंस डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन कर्व इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी वो देख लीजिएगा डिस्क्राइब द एजम्शन्स ऑफ द इन डिफरेंस कर्फ इन डिफरेंस के एजम्पन्स क्या हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेफ़्ट टू राइट वो बताना ग्राफ तो ये एक्सप्लेन करना हो गया थर्ड चैप्टर है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट इस चैप्टर से आपका आ सकता है व्हाट इज़ मीन बाय प्रोडक्शन प्रोडक्शन क्या होता है व्हाट विल बी दी एम पी एंड टी मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल uh, प्रोडक्ट uh, क्या होता है ठीक uh, है इनका रिलेशन कि एम पी जब एम पी ज़ीरो होगा तो टी पी कब मैक्सिमम होगा मतलब कब मैक्सिमम होगा ठीक है वेन देयर आर डिमिनीशिंग रिटर्न टू आर फैक्टर्स टोटल प्रोडक्ट ऑलवेज डिक्रीजेस जब इनके बीच में डिमिनिशिंग रिटर्न्स फैक्टर्स होते हैं तो टोटल प्रोडक्ट हमेशा डिक्रीज क्यों करता है टी पी पी इंक्रीज टी पी पी इंक्रीजेस ओनली वेन एम पी पी इंक्रीजेस टी पी पी इंक्रीज़ करता है जब सिर्फ एम पी पी इंक्रीज़ करता है इसका ग्राफ हो गया इसके बारे में रीज़न इंक्रीज इन टी पी पी ऑलवेज इंडिकेट्स दैट देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्नस ऑफ फैक्टर्स जो इंक्रीज़ करता है टी पी पी वो हमेशा ये बताता है कि हमारा जो फैक्टर है वो इंक्रीज़ uh, कर रहा है इसका ग्राफ ठीक है वेन देयर आर डेमिनिश रिटर्न टू अ फैक्टर मार्जिन एंड टोटल प्रोडक्ट ऑलवेज फॉल्स कब ऐसा होता है कि जब हमारा हमारे सभी फैक्टर्स डिमिनिश रिटर्न होते तो मार्जिनल एंड टोटल प्रोडक्ट हमेशा गिरता है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन ए सी एंड एम सी विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम हमें एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशन बताना होगा डायग्राम के साथ के साथ ये क्वेश्चन बन सकते हैं या इस टाइप से आ सकता है ठीक है ये हम सिर्फ तरीके बता रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं डिफाइन कॉस्ट कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कितने टाइप्स की कॉस्ट होती है ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट है चैप्टर आपका द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसमें व्हाट इज़ ओली जो पॉली ठीक व्हाट इज़ द शेप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू अंडर रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली ठीक है ये हो गया या एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ़ फ्री एंटिटी एंड फ्री एग्जिट ऑफ अ फॉर्म इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट आप एक्सप्लेन करिए कि फ्री एंटिटी एंड फ्री एग्ज़िट ऑफ अ फॉर्म क्या है परफेक्ट कॉम्पटिशन मार्केट में प्रोडक्शन डिफ्रेंसीशन क्या होता है ठीक है या मार्केट इक्वलिब्रम में अगर बात करें तो कोई भी दो मोनोपोली मार्केट के फीचर्स बता दीजिए ये शॉर्ट्स भी आ सकते हैं वॉट इज़ अ प्राइज टेक कंपनी कौन प्राइस टेकर सॉरी टेकर नहीं मेकर होगा यहाँ पे यहाँ पे प्राइस मेकर कौन होती हैं वॉट इज़ अ प्राइस मेकअ कंपनी क्या होती हैं कॉपरेटिव और पोली क्या होता है वॉट आर दी एडवर्टीजमेंट्स कॉस्ट क्या होता है अनयूजलैंड या एबनॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं ठीक है और बाद में आता है आपका लास्ट चैप्टर नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स इस चैप्टर से बन सकता है कि प्राइस सीलिंग क्या होता है ठीक या आप एक अच्छा इक्वलिब्रम मार्केट का इक्वलिब्रम पॉइंट क्या होता है जहाँ पे डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीज़ कर रही हो तो इसको एक्सप्लेन करना होगा आपको ग्राफ के ज़रिए ठीक है उसके इफ़ेक्ट्स दिखाने पड़ेंगे सो तो ये है आपका पहला पार्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनस का जिसमें हमने सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर एक चैप्टर के ऊपर बात करी है हर एक चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे या जिन जिन टॉपिक से अराइज uh, हो सकते थे वो सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे हैं उस टाइप uh, के टॉपिक्स लिखे हैं हमने यहाँ पे। आई होप ये चीज़ अच्छी लगी होगी आपको अगर अच्छा लगा है हेल्पफुल है सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करना बस ये जिस तरीके से हमने क्वेश्चंस बताए हैं इन क्वेश्चंस को एक बार प्रिपेयर कर लीजिए इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए इस टाइप के ये जो टॉपिक्स हैं जो जो टॉपिक्स हमने बताए हैं जिस जिस पे क्वेश्चंस बने वो वो टॉपिक एक बार प्रॉपर अच्छे से डीपली पढ़ लीजिए तो उतना भी आपके लिए इनफ है ठीक अगर आप इतना टॉपिक अगर सिर्फ इन क्वेश्चन को देख के उन्हीं टॉपिक्स को भी पढ़ लेते हो तो वो भी बहुत है ठीक है तो इतना देख लीजिए ताकि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का कहीं से भी कोई भी पार्ट छूटे ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोगों ने रिविज़न भी कर लिया है बचा है माइक्रो इकोनॉमिक्स वो भी आज आपको मिलेगा सो बस आपने प्रिपरेशन करनी करनी है मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिविज़न आ ही रहा है और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर मिलते हैं हम हमारे हम नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू